वाले बनो मॉर्निंग हुई है। देखो इसके नाटक अगर कुछ ऐसा होता है तो उनकी हेल्प कीजिए, वरना कि इस तरीके से झगड़िए, इतना बुरी तरीके से वो झगड़ी है। हमें अब कोई भी बोलेगा कि हाँ आपका घर है, हमें नहीं पता था, तो हम तुरंत ही जगह वो चेंज ही करने वाले थे और हम पावड़ा ही लेके गए थे। और लेट इतना हो चुका था क्योंकि मैं सूरत से वापस आई और एक दो बज गए थे, तो वो बॉडी जो थी उसकी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा कि उसको ज़्यादा वो हो, इसके चलते हम रात को ही उसको अंतिम जो भी क्रिया करनी है वो कर दी। और वो जगह थी वो रेलवे के अंदर में आती थी, उनकी कोई स्पेसिफिकली जगह भी नहीं थी। और हमने हमारी बारबी थी पहले वाली, तो उसको उसी जगह पर किया था सब कुछ, कुछ रिवील नहीं किया था और हम बताना भी नहीं चाहते, इस टाइम भी बताने नहीं चाहते थे। बट ऐसी कंडीशन हुई कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा और शेयर करना पड़ा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ होती है। तो मैं उन लोगों से इतना ही बोलूँगी, तो उनके घर पे भी डॉग्स थे, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, नहीं पता होता है बहुत सारी चीज़। हम बारबी को जब लेके गए थे उस टाइम में डे टाइम था, किसी ने कुछ एक वर्ड तक भी बोला था हमें, और इस बार गए तो वो बोल रहे हैं हमारा घर है, ये है वो है, आप ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस को बुलाऊं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। एक तो मेरे हाथ में वो बच्चा पड़ा हुआ है और आप इस तरीके से बात करते हो, तो मुझे वो चीज़ बहुत ही हर्ट कर गई और मैं क्या बोलूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी कोई ऐसा हो, ऐसी थिंकिंग रखता हो, अगर आपको दिक्कत है तो प्यार से बोलिए, जो भी बंदा या बंदी है या कोई भी प्रॉब्लम में है वो आपकी बात समझेगा। पर आप इस तरीके से उस हालत में ऐसे बिहेव करोगे तो वो बात अच्छी नहीं है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको ऐसी जगह बता दो या दिखा दो, और वो जा रहा है प्रेम से तो क्यों खामखा उसका, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, उसके साथ जो हादसा हुआ है वो उसी से उभर नहीं पा रहा है। और आप इसी हालत में भी ऐसे बोलोगे तो वो ऐसे लोगों को बस मैं वही बोलूंगी कि आप प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिएगा किसी के साथ भी। अगर आप भी कोई वीडियो देख रहे हो और आपके पास भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप उसको प्रेम से बोल दो ये यहाँ पर जगह नहीं है, आप और कोई जगह देख लो, तो वो चला जाएगा।
क्योंकि उसको भी थोड़ी बहुत तो होगी, मुझे भी है जैसे कि किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हर कोई का रूटीन अलग अलग होता है कि उसमें डिस्टर्ब हो तो वो हम भी नहीं चाहते थे, पर हमने एक बार आगे भी वहाँ पर हमारी जो आगे वाली बार भी थी उसको डांटा हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो रेलवे की ही जगह है तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, और बहुत सारे लोग ऐसे ही डाल के चले जाते हैं तो उनको कोई बोले नहीं जाता, और हमारी एक साथ इतना सब कुछ उनने बोल दिया। बट हमने फाइनली वो जगह चेंज कर दी, चीज़ें थी उसका जो भी करना था हमने वो सारी चीज़ें कर दी अच्छे से, दूसरी जगह पर हमें कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे से सब कुछ हो गया। और हम अब हर रोज़ जाके उसको देखते हैं, क्योंकि क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होती है। कभी क्या रहता है कि स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो वापस से निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ें भी ध्यान देना पड़ती है कि वो वापस से नहीं निकाले। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब भी थी और उसको अटैक आ गया, तो अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। और सडनली ये सारी चीज़ें हुई, मैं तो सूरत थी, आप सभी को पता ही, आगे ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं सूरत थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत ही निकली, वापस आई और ये सारी चीज़ें हो गई थी। बट उसमें बोलते हैं ना कि उसकी डेथ ही हो ही चुकी थी, तो उसमें और कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाने का भी हमें कुछ मौका नहीं मिला। मेरा एक फ्रेंड है जो मैं कभी भी कहीं पर जाती हूँ तो मेरे डॉग्स को वो देखता है, तो उस दिन भी वो आके देख के गया था और वापस से देखने आया, तब तक बनी को अटैक आया हुआ था। वो जो नॉर्मली अटैक में सिंबल होते हैं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, पॉटी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई हुई थी, तो हमें पता चल गया कि सिंपली इसको अटैक आया है। और जैसे ही मुझे कॉल आया तो मैं वहाँ से तुरंत निकल गई, पर मैं उस टाइम में कुछ भी ज़्यादा बोलने के हालत में नहीं थी, अभी भी नहीं। बट आप लोग मेरी फैमिली हो तो जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती है, लाइफ में होती है, तो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती, तो ये चीज़ भी मुझे लगा कि आपके सब लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने की। तो बस यहाँ तक थी आज की वीडियो, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा करो वैसा करो, बट हाँ ये एक ज़रूर बात बोलूँगी कि जब भी कोई भी ये डॉग की मैटर ले लो या कोई भी प्रॉब्लम में हो तो बस उसकी हेल्प कीजिए, अगर हेल्प ना हो पाए तो कुछ मत बोलिए, बट इस तरीके से वो जो ही भी हालत में है उसको और ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि उस टाइम में जो बद्दुआ निकलती है ना वो बहुत गंदी होती है और वो बहुत बहुत अजीब सी प्रॉब्लम में होते हैं यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो चीज़ें। बट यही बोलूँगी, मदद ना कर सको तो मत करो, बट उसके परेशान भी मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बनी के लिए बस प्रार्थना करना कि वो जहाँ पर भी हो खुश रहे, उसको नया जीवन यहाँ से भी अच्छा मिले।